हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार, मैं शेषर कृष्ण शर्मा बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूं। आज बात 1950 के दशक की जानी मानी अभिनेत्री पूर्णिमा की, प्रोड्यूसर डायरेक्टर महेश भट्ट की मौसी और एक्टर इमरान हाशमी की दादी। पूर्णिमा जी की सबसे अच्छी सहेली थी अभिनेत्री दुलारी, जो साल 2002 में मुंबई छोड़कर अपनी बेटी के पास इंदौर शिफ्ट हो गई थी, लेकिन अक्सर वो पूर्णिमा जी से मिलने के लिए मुंबई आती रहती थी। ऐसे ही एक बार उनके मुंबई आने पर मैंने बांद्रा पश्चिम के पाली हिल स्थित रेशमा बिल्डिंग के पूर्णिमा जी के घर पर उनका इंटरव्यू किया था। उस इंटरव्यू के दौरान मेरी मुलाकात पूर्णिमा जी से भी हुई। मैंने उनसे भी इंटरव्यू के लिए आग्रह किया तो उनका कहना था, हमारी जो इमेज लोगों के दिलो दिमाग में बनी हुई है वही बनी रहे तो बेहतर है। क्या जरूरत है अपने आज और आज की तस्वीर को लोगों के सामने लाकर उस इमेज को तोड़ने की। लेकिन मेरे लगातार आग्रह के बाद न सिर्फ वो इंटरव्यू के लिए तैयार हुई बल्कि उन्होंने अपनी कुछ पुरानी तस्वीरें भी मुझे दी जो इस वीडियो में आपको नजर आएंगी। पूर्णिमा जी का जन्म 2 मार्च 1932 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता राम शेषाद्री अयंगार तमिल ब्राह्मण थे और वो मनमोहन देसाई के पिता की फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में अकाउंटेंट थे। पूर्णिमा जी की मां लखनऊ के एक मुस्लिम खानदान से थी। घर में माता पिता के अलावा 5 बेटियां और 1 बेटा थे। पूर्णिमा जी की सबसे बड़ी बहन शिरीन भी एक एक्ट्रेस थी, जिन्होंने 1930 के दशक में बंबई की सेठानी, पासिंग शो, ख्वाब की दुनिया, स्टेट एक्सप्रेस और बिजली जैसी कुछ फिल्मों में काम किया था। शिरीन प्रोड्यूसर डायरेक्टर नाना भाई भट्ट की दूसरी पत्नी थी। महेश भट्ट और मुकेश भट्ट इन्हीं शिरीन और नाना भाई भट्ट के बेटे और पूर्णिमा के भांजे हैं। साल 1948 की गुजराती फिल्म राधे श्याम से पूर्णिमा जी ने डेब्यू किया था। इस फिल्म के डायरेक्टर रमन बी देसाई उनके पड़ोस में रहते थे और उन्होंने ही पूर्णिमा जी को इस फिल्म में राधा का रोल ऑफर किया था। पूर्णिमा जी बताती थी, मैं उन दिनों स्कूल में पढ़ रही थी और मेरी उम्र 16 साल थी। मेरा असली नाम मेहर बानो है, लेकिन फिल्म राधे श्याम के लिए मेरी बड़ी बहन शिरीन ने मुझे ये स्क्रीन नेम पूर्णिमा दिया था। साल 1949 में मेरी पहली हिंदी फिल्म केदार शर्मा की ठेस रिलीज हुई। उसी साल पूर्णिमा जी 2 और फिल्मों नारद मुनि और पतंगा में साइड हीरोइन के रोल में नजर आई। इनमें पतंगा म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म के 2 हिट गीत दिल से भुला दो तुम हमें, हम न तुम्हें भुलाएंगे और ओ जाने वाले तूने अरमानों की दुनिया लूट ली पूर्णिमा जी पर ही पिक्चराइज हुए थे। पतंगा की जबरदस्त कामयाबी के बाद पूर्णिमा जी जोगन, बादल, बेबस, सगाई, शगुफा, पर्वत, जाल, औरत और पूजा जैसी करीब 20 हिट फिल्मों में बतौर हीरोइन और साइड हीरोइन नजर आई। ये सभी फिल्में 1950 से 1954 के बीच रिलीज हुई थी। साल 1954 में पूर्णिमा जी ने फिल्म पतंगा के प्रोड्यूसर भगवान दास वर्मा से शादी की और फिल्मों को अलविदा कह दिया। लेकिन अचानक ही वक्त बदला और घर के माली हालात बदतर होते चले गए और फिर एक वक्त ऐसा आया जब पूर्णिमा जी को खार पश्चिम के यूनियन पार्क का अपना बंगला बेच देना पड़ा। ये वही जगह थी जहां आज विजय आनंद का केतनव स्टूडियो खड़ा है। पूर्णिमा जी और भगवान दास वर्मा दोनों की ही ये दूसरी शादी थी। पूर्णिमा जी की पहली शादी फिल्म जर्नलिस्ट शौकत हाशमी से हुई थी, जो पूर्णिमा जी से अलग होने के बाद पाकिस्तान चले गए थे। उधर भगवान दास वर्मा भी पहले से शादीशुदा और घर परिवार वाले शख्स थे। करीब 3 सालों तक फिल्मों से दूर रहने के बाद पूर्णिमा जी को
घर के माली हालात को संभालने के लिए एक बार फिर से अभिनय करने का फैसला करना पड़ा। साल 1957 की फिल्म चमक चांदनी से पूर्णिमा जी के करियर के इस दूसरे दौर की शुरुआत हुई। ये एक कॉस्ट्यूम ड्रामा फिल्म थी। पूर्णिमा जी कहती थी, चूंकि मेरा मकसद अब सिर्फ पैसा कमाना था, इसलिए मुझे जैसा भी काम मिला मैं करती चली गई। इस दौर में पूर्णिमा जी ने बागी सिपाही, जंग बहादुर, पोस्ट बॉक्स 999, सन ऑफ सिंधबाद, जवानी की हवा, कंगन, मैडम एक्स वाई जेड, कॉलेज गर्ल, गैम्बलर जैसी कई अच्छी बुरी फिल्में बतौर हीरोइन और साइड हीरोइन की, और फिर बहुत जल्द वो कैरेक्टर आर्टिस्ट बन गई। पूर्णिमा जी ने बतौर कैरेक्टर आर्टिस्ट बदतमीज, मेरा गांव मेरा देश, बैराग, जंजीर, खून पसीना, मैं तुलसी तेरे आंगन की, धर्म कांटा और इनकलाब जैसी दर्जनों फिल्में की, और फिर साल 1986 में बनी जितेंद्र, रेखा और गोविंदा की मेन लीड वाली सदा सुहागन के बाद उन्होंने फिल्मों को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। पूर्णिमा जी के पति भगवान दास वर्मा अपने वक्त के मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, जिन्होंने वर्मा फिल्म्स के बैनर में पतंगा, सगाई, बादल, औरत, पर्वत और पूजा जैसी कई हिट फिल्में बनाई थी। उनका निधन साल 1962 में हुआ। पूर्णिमा जी ने 38 साल के अपने करियर में करीब 200 फिल्मों में अभिनय किया। पहली शादी से उनके इकलौते बेटे एयर इंडिया में नौकरी करते थे। आज के दौर के जाने माने अभिनेता इमरान हाशमी उन्हीं के बेटे यानी पूर्णिमा जी के पोते हैं। पूर्णिमा जी कहती थी, मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि अब लोग मुझे पूर्णिमा नहीं बल्कि स्टार इमरान हाशमी की दादी के नाम से जानते हैं। अपनी करीबी सहेली दुलारी जी की तरह पूर्णिमा जी ने भी जिंदगी के आखिरी सालों में अपनी याददाश्त खो दी थी। पूर्णिमा जी का निधन 81 साल की उम्र में 14 अगस्त 2013 को मुंबई में हुआ। तो ये थी कहानी 1950 के दशक की जानी मानी अभिनेत्री पूर्णिमा जी की। पूर्णिमा जी के डिटेल्ड इंटरव्यू का ब्लॉग बीते हुए दिन का लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का हमारा लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द हिंदी सिनेमा की किसी और भूली बिसरी शख्सियत, किसी भूली बिसरी दास्तान को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। ब्लॉग बीते हुए दिन अब किताब की शक्ल में, डिटेल्स इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में देखिए।